हाय व्यूवर्स, दिस इज मी रिबाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा। आज हमें इंडियन कश्मीर से ज्वाइन किया है एडवोकेट साजिद यूसुफ साहब ने, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, और पाकिस्तान कश्मीर से हमें ज्वाइन किया है राजा उमर ने, वो भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, दोनों ही किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सर, आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे व्यूवर्स के लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो मच। उमर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया, जी बहुत शुक्रिया। अच्छा, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, साजिद साहब आपसे स्टार्ट करूंगी। अमित शाह साहब ने लोकसभा में दो बिल पास किए हैं जिसमें उन्होंने पीओके की बार बार बात की है, जिसे हम आजाद कश्मीर कहते हैं, ठीक है, और आप लोग पीओके कहते हैं। और दो बिल पास करने के बाद आपको जम्मू कश्मीर में 24 सीट्स दी, और जबकि जब पाकिस्तानी कश्मीर के हवाले से बहुत सारी स्टेटमेंट्स पास की। तो आज आपसे क्वेश्चन यही है कि आप हमेशा अमन की बात करते हैं, तो आज जो है वो अमन की बात नहीं हो रही, इलेक्शन भी करीब हैं, क्या कहना चाहेंगे और अमित शाह साहब की स्टेटमेंट्स के हवाले से, बिल के हवाले से आपकी क्या राय है, और आपको लगता है जंग किसी भी मसले का हल है, और क्या कहना चाहेंगे? देखिए रिबाह जी, जहाँ तक ताल्लुक है होम मिनिस्टर साहब का, मैं आपको बता दूं कि अगर उनने कोई बिल रिजर्व उन्हें की है किसी पर्टिकुलर सेक्ट के लिए, जैसे पीओके इंडिकेटर्स, इनकी कमिटमेंट क्या है, अगर हम ये देख लें कि इंडियन साइड ऑफ मतलब इंडिया जो है भारत, मैं बता दूं इन केस कि भारत की एक अपनी छवि है, भारत अपने तरीके से सोचता है, भारत ये चीज़ सोचता है कि अगर हमारा एक अटूट अंग जो है कहीं और है, हम उनको क्या इन रिटर्न वापस देते हैं, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं एक चीज़ है, हम चाहते हैं कि नहीं, जो हमारा जो सुप्रीम होता है पार्लियामेंट, उनको उसमें स्पेस देना। अगर हम यही चीज़ देख लें कि हमारा जो जिसको हम कहते हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, जिसको आप आज़ाद कश्मीर कहते हैं, अब देखिए वहाँ से लेकिन आज तक आपने कब देखा कि इस वाले कश्मीर से किसी को उठा, लोगों ने किसी को कुछ मंत्री बना लिया, किसी को उन लोगों ने पढ़ा लिखाया या कुछ किया, इन लोगों ने क्या दिया इन रिटर्न? इन लोगों ने हाथों में बंदूक दिए, पत्थर दिए और कह दिए उसके आगे कह दिए, ये डिफरेंस है। आज जो बिल जो पेश की गई उसमें आपको एक चीज़ बताऊँ, एक समुदाय ऐसा भी था कश्मीरी पंडित का जिसका कोई भी आज तक जितने भी सारे लोग होंगे उस चीज़ से मुकर रहे थे कि कश्मीरी पंडित को कश्मीर से निकाला गया। एक बहुत सारे डिबेट्स में उमर साहब के साथ जब आया हूँ तो इन्होंने भी इस चीज़ कश्मीरी पंडित को खुद से भागे, कभी कुछ और बोल रहे थे, लॉट ऑफ डिस्कशन हमारी इससे पहले भी हुई है। तो मेरे कहने का मतलब है कि कश्मीरी पंडित समुदाय को आज ऑलमोस्ट पहली बार ऐसा हुआ है उनकी दो बिल्स जो है, उनके रिजर्वेशन बिल जो है उसमें से दो सीटें जो है वो नॉमिनेट की गई है कश्मीरी पंडित के लिए। सो एक साइड से कश्मीरी पंडित जो है वो एम्पावर होने लगा और साथ साथ में उस लॉट की वुमेन रिजर्व सीट कर ली, दैट मीन्स कहीं ना कहीं वुमेन एम्पावरमेंट की बात भी यहाँ पे आ रही है। सो आप देखिए लॉट ऑफ थिंग्स वी आर थिंकिंग अबाउट द माइनॉरिटीज, तो ये चीज़ डिफरेंस है। अब जहाँ तक ताल्लुक है कश्मीरी पंडित का, मैं आपको बता दूँ कि कश्मीरी पंडित जो है दे आर अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ कश्मीर, यहाँ कश्मीरी सिख हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सब मिलजुल कर बैठते हैं यहाँ पे, इकट्ठे होते हैं। आज के टाइम अगर कोई कश्मीरी पंडित करे पार्लियामेंट में, मुझे लगता है उससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकी, क्योंकि हमने बहुत सारे तबकों को इससे पहले जगह दी, इससे पहले मुस्लिम्स भी थे, सरदार भी थे, अब कश्मीरी पंडित समुदाय जो है वो हमें रिप्रेजेंट करेंगे पार्लियामेंट में, तो हमारे लिए खुशी की बात है। उमर साहब क्या कहेंगे, अमित शाह साहब ने जो अपनी पार्लियामेंट में जो बिल भी पास किए और आजाद कश्मीर की बात की गई बहुत बार, क्या कहेंगे आप? कश्मीर आखिर किसका है, इलेक्शन भी करीब है, क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया रिबा। अच्छा, मेन चीज़ तो जिस तरह एडवोकेट साहब ने स्टार्टिंग में ये चीज़ कही कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख जो हैं वो सारे इकट्ठे बैठते हैं, खुशी की बात है, सारे इकट्ठे बैठने भी चाहिए। लेकिन जो चीज़ इन्होंने जिस चीज़ का जिक्र किया, देखें एक इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर है जो बेसिक मुद्दा है कश्मीर का, और कश्मीर का तनाज़ा जो है वो आलमी दुनिया की नज़र में उस वक्त तक डिस्प्यूटेड एरिया है जब तक जाहिर है उसकी सिचुएशन क्लियर नहीं हो जाती। तो इस सिचुएशन में वहाँ पे इलेक्शन करवाना, एक बड़ी तादाद में जो वैली के लोग हैं उनको ज़बरदस्ती बंदूक के ज़ोर पे खामोश करवाना, और जो बुनियादी राइट है वहाँ के लोगों का, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, जिसमें इंडिया जो है वो खुद एक एज ए
उसकी यानी आप मेंबर समझ लें, इंडिया पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के लोग, ये तीन फ्रीक हैं, इन्होंने मिलकर ये डिसाइड किया था कि मेन इलेक्शन जो कश्मीर का होना है वो तो वही है। अब अगर उस बेसिक इलेक्शन की तरफ नहीं जाते और उसके उसको उसको वो एक अनहील वाउंड जो है उसको उसी तरह रहने देते हैं और उसके ऊपर जो मरम पट्टियां ये लोग कर रहे हैं थोड़ी थोड़ी करके, तो इससे मसाइल का हल तो नहीं होना। और ऊपर से जिस तरह के ये बयानात अभी, क्योंकि हम ये समझते हैं कि मोदी जो है वो उसका जो नजरिया है, उसकी जो फिलॉसफी है वो आरएसएस की फिलॉसफी है, दैट इज टोटली अगेंस्ट जो गांधी जी का हिंदुस्तान था उससे तो बिल्कुल डिफरेंट है। अभी जो सिनेरियो वहां पे बना हुआ है वो तो एक हिंदुस्तान इस वक्त टोटली एक हिंदू स्टेट बन चुकी है जिसमें मुसलमानों का भी तहफ्फुज़ नहीं है, और बिलखसूस जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं इसमें हिंदू सिख पंडित कोई भी हैं, जैसे पंडित जो हैं वो जम्मू कश्मीर के दर्जावल के शहरी हैं। अब अगर पंडितों को ये दो सीटें देकर ये समझते हैं कि पंडित जो हैं उनको उनका राइट मिल गया, तो ये तो यही बात हो गई कि किसी से आप जो है वो दो तोले सोना लेके उसको आप कहें कि मैं आपको चांदी के जो है वो दो हार बनवा के दे रहा हूँ। सो बेसिक जो कश्मीरियों का जो मुद्दा है वो है जी राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, उसका जो राय शुमारी जो होनी है कश्मीर के अंदर, जो वोटिंग होनी है जिससे कश्मीरियों ने अपने मुकद्दर का फैसला करना है, अपनी तकदीर का फैसला करना है, वो इलेक्शन करवाएं। और फिर जो हमलों की बात है कि हम आज़ाद कश्मीर को ले लेंगे और इस तरह की जो मेरा ख्याल है जंग जो है वो जम्मू कश्मीर की पहले ही दो से तीन नस्लों को बिगाड़ चुका है जी, वो हमारी दो तीन नस्लें इसकी भेंट चढ़ चुकी हैं। तो अभी अगर चंद लोग जो हैं वो इस साइड पे अगर होने की कोशिश ये कर रहे हैं जी कि अभी जो कुछ हो रहा है वो सही है की कोशिश करेंगे, तो मैं यही समझूंगा कि ये इनकी एक खाम ख्याली है। और जितनी भी तहरीकें हैं पूरी दुनिया के अंदर जो तहरीकें चली हैं वो तहरीकें बिलाखिर कहीं ना कहीं जाके कामयाब हुई हैं। तो इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर जो खून खराबा हो रहा है, जो बंदूक के जोर पर जो CRPF और ये ASFPA का जो कानून है उसके तहत ये तमाम जमहूरी रवायात जो हैं उनको इन्होंने बूटों के नीचे मसल के रखा हुआ है, तो मेरा ख्याल है इसके खात्मे तक आप तो ये तो समझे ही नहीं कि कश्मीर का जो है वो मुद्दा हल होगा या मसला हल होगा और कश्मीर जो है वो जम्मू कश्मीर बेसिकली वो तरक्की करेगा। तो जम्मू कश्मीर के लोग आज भी ये समझते हैं कि वहाँ पे उन लोगों को जो बेसिक राइट्स हैं वो दिए जाएं, और बेसिक राइट में सबसे पहला राइट उनका जीने का हक है। तो मेरा ख्याल है आज भी जो है वो 2600 नौजवान इन्होंने लापता किए हुए हैं और वहाँ पे साफियों को खुल के बोलने की इजाज़त नहीं, वहाँ पे जो है वो अपना नैरेटिव रखने की इजाज़त नहीं। तो इस सिचुएशन में अगर आप ये लोग समझते हैं कि हम सड़कें टूटियां या खंभे लगाने से अगर हम मामलात को हल कर देंगे तो ये नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है। तरक्की जो है, आज़ादी जो है वो तरक्की से बहुत बड़ी नेमत है, और हम ये समझते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर जो है जब तक वो अपना डिसीजन नहीं कर लेती तब तक ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये जितने भी फलसफे हैं, जितने भी नज़रियात हैं, ये वहाँ पर नाकाम होंगे। मोदी जी जो अपना एक RSS का फलसफा कश्मीर में लॉन्च करने की तैयारी में हैं और बिलखसूस उसको जम्मू कश्मीर के हर हिस्से में फैलाना चाहते हैं, और उनकी नज़रें जो हैं वो इस बार पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के ऊपर भी हैं, तो ये मेरा ख्याल है एक नई जंग की तरफ हिंदुस्तान और पाकिस्तान को लेके जाएंगे और बिलाखर इसमें नुकसान जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को होना है। तो मैं ये समझता हूँ कि उनको अगर वो जमहूरी इकदार को उनकी कदर करते हैं, उनकी पैरवी करते हैं, और अगर वो गांधी जी के सेकुलर हिंदुस्तान के जो एक नैरेटिव था उसको फॉलो करें, तो वो आज ही जो है जम्मू कश्मीर के लोगों को एक इलेक्शन वहाँ पे मुनक़द करवाएं, वो पाकिस्तान जम्मू इस पार जम्मू कश्मीर के लोग हों, उस पार जम्मू कश्मीर के लोग हों या गिलगित बल्तिस्तान के लोग हों, ये सारा जो जम्मू कश्मीर 84,000 मरबा मील पर जो फैली हुई एक रियासत थी उस रियासत के अंदर अगर इलेक्शन करवाएं, हिंदुस्तान इसमें जो है वो बड़े भाई का किरदार अदा करे, पाकिस्तान इसमें उसको मजबूर करे, इंटरनेशनल लॉबिंग हो, तो मेरा ख्याल है उसके बाद जो पूरा जम्मू कश्मीर है उसके ऊपर अगर हिंदुस्तान की तरफ लोग जाते हैं तो हिंदुस्तान अगर इस तरह के आर्टिकल्स लाएगा, हिंदुस्तान अगर वहां पे इस तरह के इलेक्शंस कराएगा, सीटें देगा, तो मेरा ख्याल है वो एक चीज ऐसी है जो समझ आएगी। तो ये जो चीजें हैं ये समझ से बालतर हैं जी जम्मू कश्मीर के लोग, और बिलखसूस जम्मू कश्मीर 1947 की जो एक स्टेट थी उसका शहरी होने की हैसियत से मैं मोदी जी के या इस तरह के RSS के जितने भी फलसफे हैं उनको मुकम्मल तौर पर रद्द करता हूँ जी। साजिद साहब, मेरा आपसे सवाल है, जैसे उमर ने कहा कि वहाँ पर मीडिया को भी राइट्स नहीं है, ठीक है, मीडिया बायस्ड है,
आप खुद भी एक चैनल चला रहे हैं, क्या कहेंगे? और गांधी जी और जो राजा साहब ने ये कहा है कि गांधी जी वाला तो इंडिया है ही नहीं, हिंदुस्तान वैसा है ही नहीं, मोदी जी जो है अपनी आरएसएस वाली आइडियोलॉजी जो है वो वहां पर इम्पेक्ट कर रहे हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि वो आरएसएस की आइडियोलॉजी को आखिर समझ कह रहे हैं, तो क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? और जम्मू कश्मीर में 24 सीट्स आप लोगों को दी गई हैं, और ये दावा कर रहे हैं कि वहां पर अलग ही इलेक्शन होने चाहिए, तो क्या कहेंगे आप? देखिए रिवा जी, आपके सवाल का जवाब, पहले मैंने राजा साहब को जवाब देना चाहता हूँ। राजा साहब ने बराबर पिछले 7 मिनटों तक ये बोल रहे थे, क्योंकि मैं टाइम भी ऊपर से कैलकुलेट कर 7 मिनट तक उन्होंने अच्छा भाषण दे दिया, और इनको सुनते सुनते मैं तो इतना सीरियस हो गया तो कि मेरी हंसी भी छूट रही थी बीच बीच में छूटी। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, 7 मिनट के भाषण को कम से कम 7 सेकंड का आंसर ही दे दूँ। मैं आज तक जितने भी लोग, मतलब जितने भी व्यूअर्स पाकिस्तान की कैसी, तो आज मुझे इस चीज़ का यकीन है पाकिस्तान को दुश्मन की जरूरत ही नहीं है। जब राजा उमर साहब जैसे नौजवान वहाँ के जो सिटीजन रहे हैं, जैसे पाकिस्तान में इनके जैसे सिटीजन, तो पाकिस्तान को दुश्मन की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि ऐसे लोग जब है सिटीजन पाकिस्तान को मिले हुए, ऐसी कौम जब मिली है, तो आपको पता ही है निर्माण कैसा होना है, वो आप बखूबी जानते हैं। रही बात आपने जो सवाल किया, अब मैं उस पर आता हूँ। आपने सवाल किया था पहले कि ये मीडिया कर्व का आपने जिक्र कर लिया था यहाँ पे, मुझे ये चीज़ बताइए आप किस वाले मीडिया को, मीडिया पर्सन को आप मीडिया बताते हैं, अगर आपके पास कैटेगरीशन है? क्योंकि यहाँ पे आपके यहाँ मैंने खासकर देखा पाकिस्तान में यूजुअली क्या है, एक चीज़ सहाफ़ी कौन होता है या किस कहाँ से डिक्टेशन मिलता है, वहाँ किसी को पता नहीं है। यहाँ की बात करूँ, मुझे नहीं पता आप किसको यहाँ पे सहाफ़ी बोलते हैं। अगर आप किसी बंदे को जिसके पास AK-47 रहता है और 2 ग्रेनेड होते हैं, फिर वो कहीं पकड़ा जाता है, उसके हाथ में माइक होती है, क्या वो मीडिया वाला है या दहशतगर्द है? अगर आपको लगता है कि कोई बंदा ये क्लेम कर रहा है कि मैं मीडिया के साथ, अखबार में के साथ या किसी चीज़ के साथ काम कर रहा हूँ, लेकिन बाहर क्या कर रहा है काम, एक चीज़ बाहर वो टेररिज्म का काम कर रहा है, तो आप इस चीज़ को कैसे? तीसरा पॉइंट मेरा ये चीज़, जब आप किसी चीज़ को ग्लोरीफाई करते हैं, अगर पाकिस्तान वहाँ पे, अगर बियाली कहीं अभी पाकिस्तान के किसी जगह अगर धमाके करते हैं, तो जब वहाँ की मीडिया उस चीज़ को छापती है, वहाँ कर्व क्यों किया जाता है उन लोगों को, जब आप दिखाते हो कैजुअलिटी? देखे ना, आप पाकिस्तान के मीडिया को डिस्कस करो, मेरे एक चीज़ आपको ये चीज़ कही ना कि मैं जम्मू कश्मीर का एक दर्जा अव्वल का शहरी हूँ, तो मुझसे आप चीज डिस्कस करें रियासत जम्मू कश्मीर के हवाले से। मैं तो पाकिस्तान को अभी रियासत जम्मू कश्मीर के ऊपर जो है वो एक काबज मुल्क समझता हूँ, तो पाकिस्तान में भी जमहूरियत नहीं है, इस चीज़ को हम समझते हैं, इसको मैं आपसे ज्यादा इस चीज़ को तस्लीम करता हूँ कि पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में आरएसएस की आइडियोलॉजी जो है उसको आप डिस्कस करें, ग्रेटर हिंदुस्तान का जो एक नैरेटिव है उनको, उसको भी डिस्कस करें आप कि वो क्या नजरिया है और वो क्यों ग्रेटर हिंदुस्तान के उनके नक्शे में जो है वो जम्मू कश्मीर क्यों आ रहा है, जबकि जम्मू कश्मीर 47 से पहले एक अलग स्टेट थी। उमर साहब, अब साजिद साहब को उनकी बात कंप्लीट होने दें। साजिद साहब, जी जरूर कंप्लीट हैं। अरे मेरे जाहिल भाई, मेरी रिबाह जी ने पहले जो आप सवाल जो मुझसे किया था, वो किया था कम 2 क्वेश्चंस के बारे में पूछा था, एक का मैंने आंसर दिया, एक का पेंडिंग था। उससे पहले जो आप बता रहे थे 7 मिनट का आपने भाषण दिया, उसका आंसर मैंने 7 सेकंड में दे दिया। अब जब दूसरे क्वेश्चन बीजेपी फॉलोज दैट आइडियोलॉजी, तो मैं आपको कहता हूँ, आप कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बन गया हिंदुस्तान, मुझे लगता है मेरा नाम अभी साजिद ही है, सजन नहीं हुआ है, ठीक है ना? जिस दिन मेरा नाम साजन हो जाएगा ना, उस दिन मैं आपको कहूंगा हाँ हिंदू राष्ट्र हो गया, जब तक मेरा नाम साजिद साजिद। ये जो आपको चूर्ण खिलाया जाता है, जो आप चूर्ण खिलाते हैं लोगों को, और आपकी खासकर पॉलिटिकल पार्टीज या एजेंसीज हो जो चूर्ण आपको लोगों को खिलाते हैं, उससे आप बेवकूफ़ बन रहे हो। मैंने अभी आपको राजा साहब को कहा कि आपको दुश्मन की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके ऐसे ऐसे होनहार नौजवान जब तक पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान को बेड़ा ही गर्क होगा और क्या होगा उसमें, तो आप लोगों को दुश्मन की जरूरत ही नहीं है, मैं आपको इतना ही बोल सकता हूँ। नहीं, पाकिस्तान में तो हम तो ऑब्वियसली पाकिस्तान को काबज समझते हैं, और रियासत जम्मू कश्मीर के लोग जितने भी एजुकेटेड लोग हैं, कम से कम वो तो हिंदुस्तान या पाकिस्तान को तो अपना हमदर्द समझ ही नहीं सकते। आप जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, आपकी हमें पता है, जाहिर है नवालों का मसला है, खाने पीने का मसला है, रोजगार का मसला है, रहायश का मसला है, सारी चीज़ें हम समझते हैं। तो शाह साहब, ये चीज़ें जो है ना, देखें कारोबार सारी चीज़ें जो है इंसान के लगे रहते हैं, उनको खुदारा जो है वो कौमी मसाइल के ऊपर ना फोकियत दीजिए। I want to respond.
अब अगर आपका हो गया, मैं रेस्पॉन्ड करना चाहता हूँ। देखिए, एक चीज आपने अभी कहा कि रोजगार का मसला है, रोजगार का मसला होता मेरे सर पे जो है ऑलमोस्ट सब बाल है, बाल गए नहीं है, आपके सर पे बाल नहीं है, लेकिन आप हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, क्योंकि जो आपको रोजी रोटी खिलाते हैं वो खुद गरीब है, जो कंट्री खुद गरीब है वो आपकी एजेंसी, आपके लोग, आपकी आर्मी, जो भी बंदा आपको चला रहा है उसके पास उतना पैसा ही नहीं, वो आपको हेयर ट्रांसप्लांट कर ले। मेरे वाले नहीं, अगर हम उनके पैसों पे चल रहे होते तो मेरा ख्याल है हमें भी ये मसले मसाइल नहीं होते। मैं अगर पाकिस्तान को आज भी बड़ा भाई कहूँ तो मुझे यहाँ पे जो है वो हर तरह के वसाइल दस्तियाब हो सकते हैं, लेकिन मैं क्योंकि जर खरीद आदमी नहीं हूँ, इस वजह से मैं तो ये समझता हूँ हक हलाल की कमा के जितना हम कर सकते हैं। जर खरीदी अगर आज भी करें तो हम पाकिस्तान का जो है वो नैरेटिव लेके अगर आप इस चैनल के ऊपर बैठे हैं, बाकी जगहों पे बैठे हैं पाकिस्तान को डिफेंड, तो मेरा ख्याल है आपसे 2-4 रुपए बेहतर कमा सकते हैं। जाहिल भाई मेरी बात सुन ले, ठीक है ना, ये मेरी और आपकी बात नहीं है यहाँ पे। अब मैं आपको लॉजिक पे आता हूँ, आप मुझे ये बताइए, आप कह रहे हैं हिंदुस्तान का, कह रहे हैं आपके मेरी हिंदुस्तान से लॉयल्टी इसलिए क्योंकि मेरे पर्स प्रिविलेज है। मैं आपको आंसर बताऊं, क्या एयरपोर्ट जो यहाँ पे बना है, ठीक है ना, अब मैं आपको बात करता हूँ, पाकिस्तान ने अगर इसको आज उनके कंट्री वाला कश्मीर, इंडिया, इस वाले इंडिया, आवाज ठीक नहीं आ रही है इसकी जो जो है इसकी जो चीज है, क्या बोलते हैं, जो मैं आपको बता रहा था इंडिया के साइड में बता दूं आपको, इंडियन के साइड में क्या है, एक चीज हमारे पास यहाँ एयरपोर्ट है, वो तो साजिद अकेले में यूज नहीं करता ना, जितनी भी कश्मीर की आवाम है, हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो, एयरपोर्ट जो है वो आपकी माशी खुद मुख्तारी और आपकी जो है वो जहनी खुद मुख्तारी, जहनी आजादी से बढ़कर थोड़ी है शाह साहब, ये तो मैं आपको कह रहा हूँ ना, एक जरखरीद सोच और एक आजाद सोच में फर्क है। मैं जो है वो एक मैं जम्मू कश्मीर की एक आजाद सोच को बयान कर रहा हूँ, आप जम्मू कश्मीर की एक जरखरीद सोच को बयान कर रहे हैं कि यार आप एक भूखे नंगे आदमी हैं तो हमें एयरपोर्ट चाहिए, हमें जो है वो रेलवे ट्रैक चाहिए। मुझे उन चीजों से, मैं जम्मू कश्मीर का बाशिंदा हूँ, मैं आजादी से रहना चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे ऊपर जो ऑक्यूपायर है उनका कब्जा खत्म हो। उमर साहब एक बार बात खत्म हो लेने दीजिए सादिक साहब की, फिर ज्यादा अच्छे से कम्युनिकेट हो जाएगा। मेरे जाहिल भाई, जब आपने 7 मिनट भाषण दिया, मैंने एक बार भी बीच में बोला नहीं, बोला अभी दूसरी बार बोलना, हाथ खड़ा कर लिया पहले कि मुझे बोलना है, ऐसा होता तरीका, थोड़ा डिसिप्लिन तो सीखा करो कम से कम। कम से कम मुझे लगा डिसिप्लिन, आपका क्या डिसिप्लिन है जी, आप डिसिप्लिन, आप वकालत जो है वो क्या कहते हैं, जिस दिन वकील आया दुनिया में शैतान ने भी तौबा कर ली जी कि मेरा बेटा आ गया, वकालत की जो हम समझते हैं वकला जो है उनके साथ हमारा दिन के टाइम बैठना उठना यहाँ पे उनके साथ भी लगा रहते हैं, हम जितनी तहजीब और जितनी सारी चीजें समझते हैं वो सारी चीजों का हमें आइडिया है। उमर साहब, पेट से भूखे लोग जो होते हैं वो इसी तरह की आइडियोलॉजी बयान कर सकते हैं जिस तरह की आप आइडियोलॉजी बयान कर रहे हैं शाह साहब, और ये आइडियोलॉजी जो है ये जम्मू कश्मीर के लोग जो है, आप एक जम्मू कश्मीर के जो है वो नैरेटिव को बयान करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरा ख्याल है ये तो अब चीजें पुरानी हो चुकी हैं, जो चीजें आप बयान कर रहे हैं कि एयरपोर्ट बन गया, रेलवे ट्रैक बन गया, भाई जान आप इनिशियल मसले की तरफ आए, जो असल वाउंड है उसकी तरफ आए, जख्म जो है उसकी तरफ आए, आप जो है वो ऊपर ऊपर से मरहम करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, गलत बयानी कर रहे हैं ना, जिस तरह से ये जिस तरह से अपना बयानिया गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, मेरा ख्याल है उसको और टू द पॉइंट वहीं पे इसको जो है वो खत्म करने की जरूरत है। बात कर रहे हैं उमर साहब, पहले साजिद आपकी बात, आपके पॉइंट ऑफ व्यू हम लोगों ने जाने, अब साजिद साहब आप काउंटर कर सकते हैं, आपको राइट है पूरा, लेकिन पहले साजिद साहब की बात कंप्लीट हो जाए फिर आप कर सकते हैं। जी जरूर करें। जाहिल भाई को इतना प्यार है मुझसे कि दो दो मिनट के बाद, दो दो सेकंड के बाद मुझे टोकते हैं, ये प्यार है इनका मेरे लिए, तो मैं इनको बता दूं, ये कह रहे हैं कि यू कांट लिंक एयरपोर्ट विद दीज थिंग्स, ये बता रहे हैं ना, इनने कहा था मुद्दा है, एक मकसद है कश्मीरी आज के टाइम पे, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, शायद आपने भाई जी, शायद मैंने आपको शायद का लिंक भेजा था, एक वो एक रैप सॉन्ग मैंने देखा था यूट्यूब पे, देखा था वो बदलता कश्मीर, आपने शायद वो नहीं, शायद मुझे लगता मेरे जाहिल भाई ने वो चीज़ नहीं देखी, अगर मेरे भाई ने देखी होती तो ये आज ये बात नहीं, आप वकील होके किस तरह की बात कर रहे हैं आपको किसने वकील बनाया, कहाँ से डिग्री लिया आपने, इस तरह की तो हमारे जो हमने अपने इदारे में स्पीकर वो स्वीपर रखे हुए उनकी लैंग्वेज इस तरह की नहीं होती। मेरे भाई बात सुन ले, पूरी बात करने दे, फिर बता दे क्या बोलना है बीच में। वो जो रैप सॉन्ग को दिखाया था, अगर आपने उसमें देखा होगा, वो तो मैंने तो नहीं गाया, मैं तो उसमें साजिद साहब आपकी आवाज नहीं आ रही, अपनी हकीकत वो बयां करता है, आप आ रही आप? हाँ जी, कोलैप्स हो जाती है, आपके पीछे से कोई आवाज आती है तो फिर आपकी आवाज उसके साथ कोलैप्स हो जाती है और फिर वो आवाज ही नहीं आती। कह रहा हूँ कि मत रोको,
अब कुछ बीच में टोके तो कुछ शांत हो गए। नहीं नहीं, आपकी आवाज जो है वो खुद वहीं से कहीं से ड्रॉप हो रही है। मैं नहीं ड्रॉप कर रहा यहाँ से ना, ISI कर रही है। अच्छा ठीक है, इस कट को काटना नहीं, आज सुबह उमर साहब को उठा लेंगे घर से। और आई थिंक अगर हम यहाँ पे उनकी जुबान बोलनी शुरू कर दें तो हमारे पास अच्छा खासा पैसा भी आ जाए, कारोबार भी हमारा तरक्की करे, सारी चीजें तरक्की करे। पैसे ये चीजें जो है वो जमीर का सौदा जो है वो, हम ये समझते हैं, हम एक आजाद ख्याल लोग हैं और हम ये समझते हैं जम्मू कश्मीर के लोगों को भी आजाद ख्याल होना चाहिए। और जब हम आपकी आजादी की, शाह साहब की आजादी की बात करते हैं, अगर शाह साहब भले ही जो है वो अगर ये कहते हैं कि भाई हिंदुस्तान के बूटों के नीचे हमने रेस्ट करनी है और वहां पे उनके बूटों के साए तले ही हमने रहना है, तो ऑब्वियसली आप अपने शौक पूरे करें, लेकिन ये शौक तब तक पूरे करें जब तक ये आप जो है वो खून ना बहे। आप तो खून बहाकर उस खून के ऊपर जो है वो अपना जो है वो अयाशी कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल है चंद एक दिन की बात है, बाकी ये इंशाल्लाह जो है ना ये टोपी ड्रामा खत्म होने वाला है अनकरीब। आप सवाल पूछिए क्योंकि इनके इस भाषण ने इंस्पायर कर लिया मैं इनको, मैं बाद में रेस्पॉन्ड करूंगा इस चीज का। आप आगे बताइए क्वेश्चन। साजिद साहब, आखिर कश्मीर को दोबारा हाईलाइट किया जा रहा है, कश्मीर आखिर किसका हुआ? क्योंकि जब भी इलेक्शन आते हैं सबसे पहले कश्मीर कश्मीर का मुद्दा उठाया जाता है, तो आखिर इसके पीछे क्या रीजन है? कोई हल नहीं निकलता इसका, क्योंकि हर बार ये मुद्दा उठाया जाता है लेकिन इसका हल कोई नहीं निकलता। मैं आपको मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रही, जो कुछ है आप स्टार्ट में या लास्ट में जहाँ पे आपको ठीक लगे, जो मैंने कल लिंक आपको भेजा था आप एक बार, क्योंकि मुझे लगता है कि उससे परफेक्ट कोई आंसर दे नहीं सकता, ना मैं दे सकता ना आप दे सकते, कोई भी दे सकता है। मुझे लगता है वो रैप सॉन्ग जो है अगर आप उसमें डाल दें, अपने यूट्यूब पर ला दें थ्रू रेफरेंस, फिर आपको पता चलेगा हकीकत क्या है। जो आप पूछ रहे हैं कि कश्मीर का मुद्दा हर बार उठाया जाता है, वो आम कश्मीरी मेरे से छोटे बच्चे हैं, जिनने वो बनाया है वो उनकी ज़बानी आप बात सुनिए, वो आपको कश्मीर का बता देंगे। ठीक है, मैं कहता हूँ कि एक चीज़ 2019 से पहले आपकी सोचें अलग हो सकती है, मे बी कुछ डिफरेंसेस हो सकती है, मे बी कहीं ना कहीं सुलह भी हो सकता है, क्या पता 5 अगस्त के बाद सुलह ही सही। आप जब यहाँ की आवाम कहते हैं कि हमें सुलह कर लिया हम खुश है, आप कहते नहीं आप खुश नहीं भाई, आपको लगता कैसे हो गई? जब मेन मुद्दा जो जम्मू कश्मीर के इस पार के लोग, जो आजाद कश्मीर के हम लोग हैं, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग, हमें बीच मुद्दे में लाया ही नहीं गया, तो सुलह कैसे हो गई? बगैर फरीक के कैसे सुलह होती है भाई? मुझे एक चीज़, पार्लियामेंट में जो रिजर्व सीट रख ली, ठीक है ना, डिस्प्लेस के लिए। नहीं, रिजर्व सीट का क्या मतलब हुआ? आप यहाँ पे आके इलेक्शन लड़े ना जी, रिजर्व सीट का क्या मतलब हुआ? मुद्दे में जो जम्मू कश्मीर का मुद्दा है उसके हम फरीक हैं और हमें शामिल किए बगैर अगर कोई हमारा फैसला कर देता है तो ये मुझे तो एक्सेप्टेबल नहीं है। कम से कम आपके गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं, आपके जम्मू आजाद जम्मू कश्मीर के लोग हैं, POK के लोग हैं, इनको शामिल किए बगैर आपने कैसे जम्मू कश्मीर के मसले को हल कर लिया? अरे मेरे भाई, मुझे एक चीज बता दो, जो आप कह रहे हैं ना, जो आप बता रहे हैं इस चीज का, आपको ये चीज बता दूं कि जो आप कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का कह रहे हैं आप खासकर, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले इंडिया ने जो है आपको अगर 24 सीटें दी हैं, किस लिए दी है? ताकि अगर आप कोई भी बात कर लें, उन्हें ये चीज़ नहीं पता कि उमर साहब अगर कल के डेट में पार्लियामेंट मेंबर बन गए वो क्या बोलेंगे इंडियन पार्लियामेंट में। हमारे पास इतना तो है, हम आपको स्पीच दे रहे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच भी दे रहे हैं, बात करने दे रहे हैं आपको। दूसरा चीज़ है आप लोगों को, अगर हम करें काम एक चीज़ इस वहाँ की बात करूँ मैं आपको लोगों को, एट लीस्ट पाकिस्तान आपने कहा हम काबिज है, मैं आपको कहता हूँ ठीक है आप काबिज है, लेकिन हिंदुस्तान जो है आपको अपना मानता है, आपको सीट भी दे। क्या पाकिस्तान ने आज तक आपको ये सब चीजें दिया? नहीं दिया, क्योंकि वो आपको कभी पाकिस्तान ने तो उससे बेहतर सेटअप दिया हुआ है जी, आजाद कश्मीर का जो है वो अपना वजीर आजम दिया हुआ है, अपना सदर दिया हुआ है, वो तो उस पार से सेटअप तो हमारा बेहतर है। अरे भाई एक चीज है, ये ब्लाइंड आंखों से देखे तो बेहतर है, लेकिन उसूली तौर पर हमारा मौकफ ये है कि क्योंकि पाकिस्तान एक काबिज मुल्क है और वो अगर हमें वो सोने चांदी की रोडें भी बना दे तो हम यही कहेंगे कि वो काबिज मुल्क है, जब तक बेसिक जो मसला है तब तक नहीं खत्म होता। हम जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं, स्टेट के जो लोग हैं, वो आर पार जो है वो हम ये लाइन ऑफ कंट्रोल का खात्मा चाहते हैं, हम जो है वो इस मसले का खात्मा चाहते हैं जिसकी वजह से ये तकरीबन 1.5 अरब की जो आबादी है ये आर पार हिंदुस्तान पाकिस्तान की ये मसाइल का शिकार है, गुर्बत अफलास भूख नंग का शिकार है। हम जब चाहते हैं इस मसले का हल हो, आप वहां से कहते हैं हमने रिजर्व सीट दे दी, हमने 5 अगस्त को मसले का हल कर दिया,
तो भाई मसले का हल कैसे हुआ, जब हम लोग जो है यहाँ पे मौजूद हैं, हमें मसले में फ्री की नहीं बनाया गया, फिर पाकिस्तान भी अपना स्टांस जो है उसने भी अपना बरकरार रखा हुआ है, जम्मू कश्मीर के लोगों ने भी बरकरार रखा हुआ है, तो मसले का हल कहाँ से हुआ? आप लोग पहले मसले का हल तो करें, मुझे शामिल करें, मुझसे पूछें भाई आपकी क्या राय है, जम्मू कश्मीर के लोगों से पूछें, जम्मू कश्मीर के लोगों को बिठाएं, आजाद कश्मीर के लोगों को बिठाएं, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को बिठाएं, तो उनको बिठाए बगैर आप जो है वो मसाइल का ये हल तो इसका नहीं हो सकता। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं कि उमर साहब मैं आपको बता दूं, आप जो कह रहे हैं ना पाकिस्तान का कह रहे हैं आप कि पाकिस्तान ने एटलीस्ट क्या है आपको वजीर आजम दिया है, मैं आपको एक साजिद साहब आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। आवाज आ रही है अब? हाँ जी, पाकिस्तान ने प्राइम मिनिस्टर दिया, वहां से स्टार्ट कीजिए दोबारा से। देखिए जहां तक ताल्लुक है मैं आपको कहूँ, आप अभी कह रहे थे कि पाकिस्तान ने एटलीस्ट क्या है आजाद सोकॉल्ड आजाद कश्मीर को तो अपना प्राइम मिनिस्टर दे दिया, या आपका कहना था चाहे आप आजाद कश्मीर बोलो उसको पीओके बता दिया आप इसको। मेरा ये चीज आपसे जो सवाल रहेगा मेरा ये बताइए आप कि अगर पाकिस्तान को हम अलग एंटिटी देख लें, मुल्क अलग देख लें, आजाद कश्मीर को अलग देख लें, कौन सी बड़ी रहेगी उसमें? मतलब हु विल बी द लार्जेस्ट हु हैव मिस्टेक, दैट विल बी द पाकिस्तान। जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स को खुद नहीं पता कब बदले, तो जो लोग इलेक्ट हुए हैं, जो लोग सिलेक्ट हुए हैं, उनको कहाँ पता होगा कौन हमें कंट्रोल कर रहा है? कंट्रोल करने वाला कहीं और से, पीएचक्यू राहुल गांधी से। कंट्रोल तो वहां पे भी बाहर से हो रहा है ना शाह साहब, आप कैसे ये कह सकते हैं कि वहां पे महबूबा मुफ्ती जो है वो लोगों के वोट से इलेक्शन में जीत के आती है, वो तो वो लोग भी तो कंट्रोल हो रहे हैं। देखिए एक चीज मेरे को बताइए, एक चीज वोटर कौन है आप कह रहे हैं, कौन है वोटर, कौन है? कश्मीरी है ना, एक आम कश्मीरी है ना वोटर है यहाँ का, ठीक है ना। आज के टाइम में आपको बता दूं एक चीज, अगर यहाँ पे आपकी जैसी सियासत होती तो यहाँ पे वन पार्टी सिस्टम होता, ठीक है ना। हमारे यहाँ देखो एक चीज, जब भी इलेक्शन होता है 5 साल बराबर कंप्लीट होता है, उसके बाद दूसरा इलेक्शन होता है, कभी एनसी आती है, कभी पीडीपी आती है, कभी कोई पार्टी आती है, जिसको लोग, हमारा भी यही है, ऐसे ही होता है। पिछले साल नून लीग की थी, इस साल पीटीआई की है, उससे पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की थी, पीपल पार्टी की थी। मैं प्राइम मिनिस्टर के बारे में बोल रहा हूँ, आपकी यहाँ सिलेक्शन होती है, उसकी चलाने वाला कोई और हो, चलाने वाला कोई और हो, तो चलाने वाले शाह साहब वहां पे भी कोई और है चलाना, तो वो भी दिल्ली से कंट्रोल होता है। आप क्या समझते हैं कि जो महबूबा मुफ्ती जो वजीर या मुफ्ती सईद जो वजीर आला बना ये वहां का ये जो भी, तो वो वहीं से कंट्रोल करते हैं, वहीं से फैसले जारी करते हैं? वो लोग तो वहां से अगर वो फैसले कर रहे होते तो आई थिंक अभी तक तो कश्मीर का मसला हल हो जाता, क्योंकि मसला है कश्मीर को ये लोग सारे हल करना चाहते हैं। मसला ये है कि यहाँ पे जो है वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट नहीं हल करना चाहती, वहां पे हिंदुस्तान की एस्टेब्लिशमेंट नहीं हल करना चाहती, जम्मू कश्मीर के लोग। मैं आज भी अगर शाह साहब ये बात कहूँ कि आप भी इस मसले का हल चाहते हैं, मैं भी इस मसले का हल चाहता हूँ, हम जो दो मुख्तलिफ नैरेटिव के लोग हैं, अगर आप हिंदुस्तान के साथ जाना चाहते हैं, मैं बिल्कुल इंडिपेंडेंट कश्मीर का ख्वाह हूँ, लेकिन उसके बावजूद हम दोनों जो है वो मसाइल का हल चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि कश्मीर का मुद्दा हल हो। तो जितने भी लोग हैं, वो महबूबा मुफ्ती हो, वो मुफ्ती सईद हो, वो हमारे यहाँ जो वो वहां पे आपके जो है वो कोई भी हो, यहाँ पे फारूक हैदर हो या अतीक खान हो, जितने भी लोग हैं वो मसाइल का हल चाहते हैं, वो चाहते हैं जम्मू कश्मीर का मसला हल हो, और अवाम भी यही चाहती है। मसला सिर्फ यहाँ पे ये यह आता है कि वहां पे इंडियन कंट्रोल लोग जो है वो हुकूमत में आते हैं, वो इंडियन कंट्रोल्ड पॉलिसी के ऊपर चलते हैं, जबकि यहाँ पे पाकिस्तान कंट्रोल्ड पॉलिसी चलती है। तो दैट्स वाई ये कश्मीर का मसला जो है ये मसले का मसला ही रह गया। हम ये चाहते हैं कि ये मसले का हल हो, और इसमें जम्मू कश्मीर के आर पार जो लोग हैं वो बुनियादी फ्रीक हैं, दोनों आपस के एक साथ बैठे, दोनों मिलके ये फैसला करें कि हमने किधर जाना है, किसके पास जाना है, और हमने अपना फ्यूचर क्या प्लान करना है। तो ये हमारा राइट, और ये राइट सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने नहीं दिया हुआ, बल्कि हमें ये राइट जो है ये यूनाइटेड नेशन ने, दुनिया की मुख्तलिफ अकवाम ने दिया हुआ है, और ये हिंदुस्तान के रिक्वेस्ट पे दिया हुआ है। खुद भी हम लोग जम्मू कश्मीर के लोग खुद नहीं गए वहां पे, बल्कि ये हिंदुस्तान वहां पे गया, इसने जाके कहा कि भाई हम इनको जो है ये वोट देना चाह रहे हैं। तो दैट्स मींस कि ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी ना। मैं इनको इसका आंसर देना चाहता हूँ जी। साजिद साहब आप कंटिन्यू करें। देखिये अभी उमर साहब जो बता रहे थे, मेरा इंसान रहेगा ये जो बता रहे हैं इंडियन साइड ऑफ पाकिस्तान के, मेरा ये मौका
साइड से ये खुद क्लेम कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान जो है वो कंट्रोल कर रहा है कहाँ के जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर, यहाँ से ये हवाला दे रहे हैं महबूब मुफ्ती का। मुझे ये चीज़ बताइए, हमारे यहाँ तो एक चीज़ है, हमने तो हम खुद कह रहे हैं कि हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर दो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, दो प्रधान हो नहीं सकते, दो चुनाव नहीं हो सकते, हमारे यहाँ एक कंसेप्ट है, तो यहाँ पे एक ही प्राइम मिनिस्टर रहेगा। आपके यहाँ कह रहे हैं आप दो प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं, लेकिन जब यहाँ कोई प्राइम मिनिस्टर है ही नहीं, यहाँ तो सीएम है, प्रोटोकॉल फॉलो करना है उसको, चाहे कोई भी आए, शी हैज़ टू फॉलो द प्रोटोकॉल। कल के डेट में कोई और पार्टी है, उनको प्रोटोकॉल फॉलो करना है, उसमें बहुत अंतर होता है। और दूसरी चीज़ मेरे को ये बताइए, एक चीज़ ये अभी जो जितनी भी उमर साहब ये बातें कह रहे थे कश्मीरियों को अपना हक दीजिए, कश्मीरियों को अपना हक दीजिए, मुझे ये चीज़ उमर साहब आप बताइए, एक चीज़ है आप कह रहे हैं कश्मीर को हक अपना हक दीजिए, आप कैसे मानते हैं कि, पहली चीज़ आप मुझे ये चीज़ बताइए कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द हक, एक कश्मीरी जिसके पास कल तक मुझे लगता है दुख के सिवा कुछ नहीं था, मुझे लगता है जिस कश्मीरी के पास मतलब बहुत सारे ऐसे जो लोग थे उनकी डेथ होती थी, पैरेड गन चलते थे, हालात ख़राब होते थे, एजुकेशन सफ़र होता था, यहाँ पे पेशेंट सफ़र होते थे, 2019 के बाद यहाँ ये सब चीज़ें नहीं होती, एक बदलाव है। अगर कोई इंसान खुश है, क्या आपको उनकी खुशी से प्रॉब्लम है? नहीं, तो ये जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग हैं इनका क्या है, जो इस साइड पे जो लोग हैं भाई, खुद ही आप कह रहे हैं, खुद ही आप एक साइड से कह रहे हैं हमें कोई कंट्रोल कर रहा है। अब हम जब कोशिश कर एक पहल कर रहे हैं आपको रिजर्वेशन देने के लिए, आपको उसमें भी प्रॉब्लम है ना? नहीं, उसमें देखे ना, ये मसले का हल तो नहीं है ना शाह साहब, या तो आप ये कहें कि ये मसले का हल है तो फिर हम इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे, भाई ठीक है हिंदुस्तान में हमें जो सीट्स मिल चुकी है लिहाजा आजाद कश्मीर के लोग जो है इसको एक्सेप्ट करें, इसका हल तो नहीं है। आपने अभी एक चीज बताया था, आपने कहा था काबिज वर्ड यूज किया था आपने हिंदुस्तान के लिए, मुझे एक चीज बताइए, आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान काबिज, मैं आपको एक चीज एग्जांपल बताता हूँ इसका, काबिज आप उस इंसान को कह रहे हैं कि यहाँ हमारे घर डाका डालने के लिए कोई आया था, डाकू आया था, और हमने क्या कर लिया, किसी से हाथ मिला के कहा मेरे घर का जो डाका है, एक तो डाकू को बगा और मेरे घर को प्रोटेक्ट करो। आज के टाइम पे डाकू हमें लेक्चर दे रहे हैं कि भाई एक चीज आप लोगों ने इन लोगों को क्यों बचाया, वही चीज पाकिस्तान। नहीं नहीं नहीं, ये देखे ना, ये मिसकंसेप्ट है आपका। देखें, अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान ने अगर कब्जा किया, सुने शाह साहब, अगर पाकिस्तान ने हमला किया, हमले में पहल की पाकिस्तान ने, इस चीज को हम समझते हैं कि पहला हमला जो है वो पाकिस्तान की तरफ से किया गया, लेकिन उस वक्त जो एग्रीमेंट किया गया, जिस एग्रीमेंट के तहत हिंदुस्तान को वहां पे लाया गया, वो एग्रीमेंट यही था कि आप यहाँ पर जो है वो प्लेबिसाइड करवाएंगे, उसके बाद आप प्लेबिसाइड करवाने के लिए यहाँ पे आए, आप यहाँ पे जो है वो क्या कहते हैं कब्जा करने के लिए तो नहीं, तो जो हमें कब्जे से या जो डाकुओं से बचाने के लिए आए वो खुद कब्जा करके बैठ गए, तो ये तो ज्यादती हो गई ना हमारे साथ, कश्मीरियों के साथ, ये हमारा दफा तो नहीं हुआ इनके लिए ना। जब आप किसी को प्यार से लेते हैं ना, अब मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, एक सुन लेना मेरी बात, एक साइड से आप कह रहे हैं कि छीन के लेना, ठीक है ना, एक साइड से होता है खुद, जब कश्मीरियों ने हाथ मिलाया था, जब हेल्प मांगी थी तो हिंदुस्तान से ही मांगी थी, किसी और कंट्री, बांग्लादेश या फॉर बांग्लादेशान भी नहीं तब उसके, मुझे ये बताइए बांग्लादेश, श्रीलंका, कोई भी कंट्री, किसी और कंट्री के पास क्यों नहीं गया, इंडिया के पास क्यों गया हेल्प मांगने के लिए, जब इंडिया के साथ हेल्प मिला दैट मीन्स हम खुद गए उनके पास, पहला पॉइंट। दूसरा चीज़ आपने जो बताया, तो वो इसको भी लेके जाए ना, इसको भी लेके जाए, इसको क्यों नहीं लेके गए, चल रही है आज उसी की पहल चल रही है, आज जो रिजर्वेशन बिल हो रही है पहल चल रही है, अगर हमने कुछ रेजिडेंस ऑफ पीओके, अब मैं बताऊंगा उसका एग्जांपल, ये चीज़ है उसका एग्जांपल मेरे पास, ये चीज़ है कि आज पीओके क्यों कह रहा है हमें हिंदुस्तान के साथ जुड़ना है, क्योंकि हिंदुस्तान ने कभी मारदार पे कभी भरोसा नहीं किया, उन लोगों ने इस वाले कश्मीर को इतना डेवलपड किया, इतना प्रोग्रेस किया, इतना प्रॉस्पर्टी किया कि पार वाला पीओके कह रहा है हमें भी हिंदुस्तान से जाना है, ये काम और काम में फ़र्क होता है। नहीं देखे ना, हम हिंदुस्तान के साथ जाने के लिए बिल्कुल, मैं इस वक्त अगर आपको अपनी अगर ये चीज बताऊं कि हिंदुस्तान के साथ, ऑब्वियसली हिंदुस्तान एक बड़ी उभरती ताकत है, पावर है, माशी कुवत है, हम ये नहीं कहते कि हम हिंदुस्तान के, लेकिन हम ये कहते हैं कि लीगल प्रोसीजर के थ्रू जाएं, इलीगल वे से कोई अटैक करके अगर हमें लेके जाना चाहता है वो हम कहते हैं ना ब्याह करके ले जाए, भगा के ना ले जाए। अब देखिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या एज अ राजा उमर साहब आर यू विलिंग कि आप इंडिया का साथ देने के लिए तैयार है? बिल्कुल, मुझे मौका मिलेगा तो मैं ऑब्वियसली सोचूंगा इस बारे में भी। कट चाहिए मेरे को, जो इसने लास्ट में बताया यही पॉइंट चाहिए मेरे को, बस काफी है मेरे लिए वायरल करने के लिए। बिल्कुल, मैं देखे ना, मुझे सियासी हक होगा इस चीज का तो मैं ऑब्वियसली सोच सकता हूँ, मेरे पास तीन ऑप्शन होंगे, पाकिस्तान के साथ जाने का, हिंदुस्तान के साथ जाने का, आजाद और खुद मुख्तार रहने का, तो ऑब्वियसली मैं सोचूंगा हिंदुस्तान के साथ जाने में मेरे क्या फायदे हैं, पाकिस्तान के साथ जाने में मेरे क्या फायदे हैं, तो मैं सोच सोच के जरूर इसके ऊपर जो है वो अपना वोट डालूंगा। जाहिर है मैं एक
शुक्र का इसलिए रहूंगा कि एटलीस्ट कम से कम उमर साहब के साथ 3-4 बार डिबेट करने के बाद एटलीस्ट इतना तो मैंने इनको मनवा लिया आज इनके मुंह से कि ये हिंदुस्तान के साथ जाना चाहते हैं। जब पहली बहस हुई ये देखे ना सियासी तरीके से, ऑब्वियसली सियासी तरीके से कोई भी शख्स जो है वो अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करने का हकदार है, और ये जम्मू कश्मीर के लोगों का ये सियासी हक है। मैं तो ये कहता हूँ जमहूरियत में फैसला हो, और ऑब्वियसली जो लोग जो हिंदुस्तान के साथ जाना चाहते हैं वो जमहूरी तरीके से जाएं, जो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं वो भी जमहूरी तरीके से फैसला करें। जमहूरियत में इस चीज़ का फैसला हो कि आप लोग किधर जाना चाह रहे हैं, तो हम बिल्कुल उस चीज़ पे एग्री होंगे जी। जिस चीज़ अगर हिंदुस्तान को वोट पढ़ते हैं, यहाँ से आज़ाद कश्मीर से भी पढ़ते हैं, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर से पढ़ते हैं, जीपी से पढ़ते हैं, और अगर सब लोगों का ये मुत्तफिका फैसला होगा या अक्सरियत का फैसला होगा कि हमने हिंदुस्तान के साथ जाना है, तो हम इस चीज़ के ऊपर एक्सेप्ट करेंगे इस चीज़ को, बजाय इसके बावजूद इसके कि हम जो है वो इंडिपेंडेंट कश्मीर चाहते हैं, लेकिन हम जमहूरियत की कदर करने वाले लोग हैं, जमहूरी रवायात को बरकरार रखने वाले लोग हैं, और हम ये समझते हैं कि जम्मू कश्मीर के मसले का हल भी जमहूरियत ही है। तो जब तक जमहूरियत के जरिए जो है वो मसाइल का हल नहीं होगा, तो ये आमराना इकदाम जो है ये मसाइल का हल नहीं, इसमें मुमकिन नहीं है। उमर साहब, आप अभी जमहूरियत की बात कर रहे हैं, आपके मुंह से बहुत ही अच्छी चीज़ें लग रही है जब आप जमहूरियत ये सब चीज़ें डिस्कस करते हो। मेरा आपसे ये चीज़ सवाल है, जब महबूबा मुफ्ती उमर अब्दुल्ला जिनको आप कह रहे थे कि ये दिल्ली के इशारे पे चलती है, अगर ये लोग यहाँ के कश्मीरी अवाम जब इनको वोट डालते हैं, चाहे किसी को 1 लाख किसी को 10 लाख जब इनको वोट पड़ते हैं, दैट मीन्स वो कश्मीरी अवाम उनको चुनती है, ठीक है ना। अब कश्मीरी अवाम उनको चुनती है, आप एक साइड से कहते हैं कि वो इनके रिप्रेजेंटेटिव है जो भी चीज़ें हैं, फॉर आप कह रहे दिल्ली के दैट में इनडायरेक्टली डायरेक्ट तो यहाँ पे हिंदुस्तान को तो तस्लीम किया है इन लोगों ने, जो एटलीस्ट इनके डायरेक्ट इनके लोगों के लिए वो वोट डाल रहे हैं, जो लोग वोट डाल रहे हैं इन डिफरेंट पोलिटिकल पार्टीज़। अगर आप कश्मीर की पोलिटिकल पार्टीज़ देखें, 4 ही 5 ही 6 ही रख ले, आज इससे ज़्यादा पॉपुलेशन तो इन्हीं लोगों को वोट डालती है जो डेमोक्रेसी, इंडियन डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट करती है। इसका मतलब वहाँ पर आपका जो आप रेफरेंडम बता दें कुछ भी बताओ तो वहीं ख़त्म हो गया। ये तो देखे ना 14 अगस्त 1947 से अगर आप पहले जाएं तो कांग्रेस की बुनियाद रखने वाला भी जो है वो एक अंग्रेज था। कांग्रेस की बुनियाद रखने वाला भी एक अंग्रेज था, और बर्तानिया के दौर में भी ये हिंदुस्तान में जितने इलेक्शन हुए लोगों ने वोट दिए हैं, और अंग्रेज की हमायत में भी जो है वो लोग करते थे। इसका आजाद कश्मीर में आज भी अगर मैं आपको ये चीज बताऊं कि आजाद कश्मीर में 70% लोग जो है वो हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों से आजादी चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम लोग वोट देते हैं इन सियासतदानों को, पाकिस्तान के जो कठपुतली सियासतदान है उनको वोट इस वजह से देते हैं कि हमें कुछ फंड्स मिल जाए, हमें कुछ जो है वो तरक्याती काम मिल जाए, हमें कुछ इस तरह की चीजें मिल जाए, इक्विपमेंट्स जो हमें रिक्वायर्ड होती है। बाकी इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। इसी तरह हिंदुस्तान के जो लोग हैं, उस पार के जो लोग हैं, उनके जाति काम होते हैं, जाति मकासद होते हैं, वो लोग हिंदुस्तान के लोगों को वोट करते हैं। उसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि वो बुनियादी हक जो उनका जो रायशुमारी का जो हक है वो आप जो है वो हजम करके आगे चले जाएं, ये चीज नहीं है। ये माजी में जीने वाले लोग हैं, मैंने अभी कहा ना इस मुल्क का कुछ नहीं हो सकता जब राजा उमर जैसे लोग वहां रहते हो, मुल्क का कुछ नहीं बन सकता। मैं हम तो इस मुल्क का करना भी कुछ नहीं चाहते और ना हिंदुस्तान का करना चाहते। मैं तो माजी में अगर ये चीजें जो है देखना 47 में मसाइल एक बार जो है वो खराब हुए तो माजी भी खराब हुए, तो माजी में ऑब्वियसली जीना पड़ेगा कि 47 में किसने गलती की, कौन सही था। इसी तरह आप 5 अगस्त 2019 की जो बात कर रहे हैं वो भी तो माजी की ये गलती है हिंदुस्तान की, और अभी जो गलती कर रहे हैं ये भी मुस्तकबिल में जाके माजी की ही ये गलती होगी, तो माजी को डिस्कस किए बगैर आप ये नहीं समझ सकते कि इसके बगैर आप आगे चले जाएंगे। अगर आप कह रहे हैं माजी को नजर रख के हमें चीजें चलनी चाहिए, प्रेजेंट में चलनी चाहिए, अगर उसी हिसाब से बीजेपी चलती कांग्रेस के जो उनने माजी में किए तो हम आगे नहीं बढ़ती। भारतीय जनता पार्टी आज की जो सरकार कांग्रेस एक जमहूरी जमात है जी। कांग्रेस में तो देखे ना, कांग्रेस आज भी एक जमहूरी पार्टी है, उसने गांधी जी का जो फलसफा है उसको कहीं ना कहीं कायम और दायम रखा है। उसने रियासत के लोगों पर वो जुल्म जबर नहीं किया जो बीजेपी ने किया है, जो आरएसएस की आइडियोलॉजी ने किया है, जो ग्रेटर हिंदुस्तान चाहने वालों ने किया है। आप लोगों के इस दौर में जितना खून खराबा हुआ है कश्मीर, बिलखसूस जम्मू कश्मीर के अंदर, 5 अगस्त का जो वाकया है, जो सानिया है 5 अगस्त का, अगर आप इसको देखेंगे तो मुस्तकबिल में जाके ये सारे इंशाल्लाह जब जम्मू कश्मीर एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनेगी और या जम्मू कश्मीर के मसले का कोई हल निकलेगा तो उस वक्त ये सारी चीजें जो है वो तारीख में लिखी जाएंगी कि हिंदुस्तान ने क्या जुल्म किया और पाकिस्तान ने क्या जुल्म किया कश्मीर के साथ, ये दोनों के स्याह हरूफ में लिखा जाएगा इंशाल्लाह। आई वॉन्ट टू रेस्पॉन्ड
आपने भी कहा कि लोगों को मारा जाता है, ये आपने कहा, अगर मैं रेशियो दिखा दूं, आप उस चीज का छोड़िए, आपका जो स्टेटमेंट, मैं पहले से उसको इंडोर्स नहीं करता, बट आपके स्टेट को काउंटर करने के लिए मैं आपको बता दूं, आप कह रहे हैं यहाँ पे इतने लोगों की किलिंग होती है, मैं कहता हूँ जितने पूरी हिंदुस्तान में हमारी एक महीने का एक साल तक किलिंग नहीं होती होगी या लोगों की डेथ नहीं होती जितना पाकिस्तान में एक दिन बम धमाके से होते हैं। आप मस्जिद में 1000 लोग 10000 लोग जमा होते हैं, उसी दिन कुछ ना कुछ वहाँ ब्लास्ट हो जाता है। पाकिस्तान का अंदरूनी मसला है ना जी, वो जम्मू कश्मीर के लोगों का मसला तो नहीं है। दिन में कम से कम आपके यहाँ 5-8 लाख लोग तो ऐसे ही मरते होंगे दिन भर पटाखों। जम्मू कश्मीर के लोगों का मसला नहीं है, हमारे जम्मू कश्मीर में, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में इस तरह की कोई कैजुअलिटी नहीं होती, ना कोई धमाके होते हैं, ना कोई और सिस्टम है यहाँ पे। ये तो पाकिस्तान में चीजें हो रही है, और पाकिस्तान और हिंदुस्तान को तो हम अपने पड़ोसी ममालिक में शामिल करते हैं शाह साहब। हम जो है वो मेरे नजदीक पाकिस्तान भी पड़ोसी मुल्क है हमारा, और हिंदुस्तान भी पड़ोसी मुल्क है। हम एक आजाद सोच, आजाद ख्याल लोग हैं, और आप भी हमारी सफों में आ जाएं, हमारे साथ शामिल हों। इंशाल्लाह ये तहरीक एक दिन जो है वो पाया तकमील तक पहुंचेगी, उसके बाद आप आजादी के जो फायदे हैं उससे लुत्फंदोज होंगे इंशाल्लाह खुद भी। साजी साहब, पर साहब, बहुत शुक्रिया जी। साजी साहब कहा मेरे सफों में आ जाओ, मुझे ये चीज समझने की कोशिश करना, अगर इनके सफों में जाना पड़े, मेरे बंदूक पे AK-47 होगा, कलाश्निकोव होगा, वो चीज सोच रहा था। नहीं नहीं, क्लाशनकोफ क्यों, यासीन मलिक के कंधे पे कौन सी क्लाशनकोफ है? स्टार्ट तो उसने बंदूक से ही किया भाई, स्टार्ट बंदूक से किया, लेकिन आज जिस पोजीशन पे वो खड़े हैं, एक डेमोक्रेटिक जिद्दोजहद है। आप अभी स्टार्ट करेंगे तो आपको क्लाशनकोफ से नहीं स्टार्ट करवाएंगे, बल्कि एक डेमोक्रेटिक जिद्दोजहद में आपको लाएंगे साथ। कह रहे थे आप माजी का भी ख्याल रखा, तो उसका माजी भी देखो ना, वो कातिल निकला पहले, आज क्या था उसको? ये तो देखे ना, ये तो चीख वगैरह से आप जो है वो अस्करियत सीखी हमने, चीख वगैरह की अस्करियत भी हमने देखी, हमने यासर अरफात की भी अस्करियत हमने देखी, और हम आजकल हमास की भी मुजामत देख रहे हैं। तो अस्करियत जो है वो, ये अस्करियत जो है ये, इसको आप जो है वो इतना ही डिनाई नहीं कर सकते। हिंदुस्तान के मजालिम के खिलाफ और पाकिस्तान के मजालिम के खिलाफ अगर किसी ने जिद्दोजहद किया तो उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। यासीन मलिक एक फ्रीडम फाइटर था, कल भी और आज भी, और आपके उस बंदूक उठाने के बाद आपकी गवर्नमेंट ने उसको जो है वो अवार्ड, नेशनल अवार्ड दिया है हिंदुस्तान का, आपके प्राइम मिनिस्टर ने। तो ये इन चीजों पे गौर करें ना। मनमोहन सिंह की तरफ से उस यासीन मलिक को नेशनल अवार्ड दिया गया था, ये शायद आप मैंने भूल गए शायद। ए भाई मेरे, एक चीज अगर आपको याद, आपको अभी एग्जांपल दे दी, मैंने आपको कांग्रेस और बीजेपी का बताया, मैंने आपको कहा कि एक टाइम ऐसा था, आज बीजेपी की सरकार है और बीजेपी अपने तरीके से काम करती है, कांग्रेस अपने तरीके से, मैंने इशारा दिया था। अब आपने इसका आंसर दे दिया, वो भी सुन लिए, उसका इशारा जो आपने अब पूछा, मैंने उसका आंसर ऑलरेडी दे चुका हूं। इसका मतलब ये चीज, जब कांग्रेस की सरकार थी वो नली यहां पे सरकार थी, उस टाइम वो टेररिस्ट और इनके सेपरेटिस्ट के साथ हाथ मिलाते थे, भारतीय जनता पार्टी। वेरी गुड, आपने कांग्रेस के ऊपर भी ये एलिगेशन लगा दिया कि वो भी टेररिज्म के साथ जो है वो खड़ी थी। कोई आपत्ति नहीं है बोलने में, खुल के बताता हूं। कांग्रेस जिसने हिंदुस्तान बनाया उसको आप ये कह रहे हैं? सब कुछ पता है भाई, हमें पता, आपके यहाँ जब यहाँ मुंबई ब्लास्ट होते थे तो उनके जमानत के लिए कौन आ जाते थे, मुझे ये भी पता है मर्सी पिटीशन पे साइन कौन करता था, मुझे ये भी पता था जब आजमल का उसके बारे में कौन बात कर रहा था, मुझे इतना आपको ये भी पता होगा कि गांधी जी किस पार्टी से थे। गांधी जी किस पार्टी से? अबे भाई, गांधी को आवाज क्यों भेज रहा है? मैंने कहा तुम माजी में क्यों रहते हो तुम लोग यार। वेरी गुड, वेरी गुड। ये बंबई हमलों के जो जमानते हैं, आपने ये कहा कि ये कांग्रेस ने दी, और फिर आपने ये कहा जी कि गांधी जी के ऊपर क्यों जाते हैं। गांधी जी भी उसी कांग्रेस का हिस्सा थे, 1947 में उसी गांधी ने आजादी लेके दी, और 2010-11 में उसी गांधी जी की उसी पार्टी को, उसी उन्हीं की औलादों को आगे आपने ये कह दिया कि ये दहशत गर्दों के साथ जुड़े हुए हैं। ये तो आप खुद अपनी जो फिलोसफी के साथ इत्तेफाक इंसाफ नहीं कर रहे। राजा उमर देखो, अपने नहीं, मैं खुद का बताऊंगा एक चीज। राजा उमर एज अ पर्सन, अगर वो फॉर एग्जांपल अच्छा इंसान है, ठीक है नहीं, मैं एक चीज बताता हूँ, इनको बुरा लग जाएगा, मैं किसी और का एग्जांपल बता देता हूँ। अगर किसी बंदे का जो है खुद अच्छा इंसान है, क्या ही इज श्योर कि उसका बेटा नाफलक बदमाश से निकलेगा? इज ही श्योर अबाउट इट? इट इज नॉट पॉसिबल। सही भी निकल सकता है, वही बात यहाँ नहीं, एज ए पार्टी आपने उनको क्लेम किया ना, आपने तो एज ए पर्सनैलिटी नहीं क्लेम किया, आपने कहा कांग्रेस मिली हुई थी, तो दैट्स मींस कि कांग्रेस, इसका मतलब है कांग्रेस की बुनियादें जो है वो खराब थी। उसका मतलब थोड़ी ये बेटा भी अच्छा हो सकता है, ठीक है, वहां पे जब यहाँ गांधी जी के थे, उनका एक कंट्रीब्यूशन, उसको हम अपना फादर ऑफ नेशन। गांधी जी को कत्ल करने वाला कौन था? ये भी हिंदू इंतहा पसंद, RSS का उसका तल्लुक नहीं था RSS के साथ।
आरएसएस का क्या पढ़ के आए हो, आरएसएस कब बनी है पहले मुझे ये चीज बताओ आप। आरएसएस कब बनी? आरएसएस 1920s में बनी, जब ये इससे भी पहले, कांग्रेस से पहले आपकी आरएसएस की फिलॉसफी आ रही है। इन भाई बंदों को शायद ये भी नहीं पता आरएसएस का पहला नाम क्या था, ठीक है ना, आरएसएस का पहला नाम क्या था, एनी आईडिया? नहीं, आरएसएस का पहला नाम आप बता दें बिल्कुल। अब जब भाई आपको पता नहीं है तो बोल क्यों रहे हो? जरूर जरूर बताइएगा, कब, क्या नाम है आरएसएस का, आपको पता है नाम? नहीं मुझे नहीं पता, नहीं मुझे नहीं, मैंने उस चीज के ऊपर गौर नहीं किया। मुझे आरएसएस जब बनी 1920s में, तो मुझे उसके बाद का पता है कि इससे सबसे पहले जो है वो हिंदुस्तान में अंग्रेज के खिलाफ जिद्दोजहद की, जरूर की, और अस्करी जिद्दोजहद थी। उसके बाद ये 47 में आके इन्होंने जो है सबसे पहले गांधी का कत्ल किया, आरएसएस की, आरएसएस की ही ये वो कारकुन थे। अरे भाई वो आरएसएस जिसने उसको मारा वो आरएसएस के साथ नहीं थे, ठीक है ना, शायद मैंने आपको कहा ना थोड़ा वो आपको पढ़ने की जरूरत है, ठीक है ना। आप वेरी गुड। आरएसएस जब संगठन थी ना, मैं आपको बता, आरएसएस जब संगठन थी तब उस टाइम ना बीजेपी थी ना ये सब, उस टाइम कांग्रेस थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम। उस टाइम जब नथुराम गोडसे ने इसको मारा, ठीक है ना, फिर उसके बाद के हिंदू महासभा थी उस टाइम, ठीक है ना, हिंदू महासभा उस टाइम थी, उस टाइम आरएसएस नहीं था। तो हिंदू महासभा के लीडर कौन थे उस टाइम? थे नथुराम गोडसे थे। जब उनने किसी इसका कत्ल कर लिया, ठीक है ना, फिर उसके बाद उस ऑर्गेनाइजेशन पे बेन लगी, फिर उसके बाद जो है आरएसएस का निर्माण हुआ। जब नथुराम गोडसे, मैं आपको कह रहा हूँ, हिंदू महासभा से थे, आप आरएसएस को वहां पे जोड़ रहे हो। ये तो एक ही पार्टी है, ये तो हमारे पाकिस्तान में एक पार्टी बंद होती है उसका नाम जो है वो दूसरा रख के वही आइडियोलॉजी की बात करें ना आप, जो आरएसएस की आइडियोलॉजी है, हिंदू महासभा की जो पार्टी है उसकी भी तो वही आइडियोलॉजी थी, आइडियोलॉजी तो सेम थी, एक ही नैरेटिव के ऊपर जो है वो दूसरी पार्टी खड़ी कर दी, तो इसका मतलब ये तो नहीं हो गया कि पार्टी चेंज हो गई। यू आर नॉट अ प्रैक्टिकल, मैंने कहा ना, एक घुमा फिरा के वही वो सब, मैंने कहा तुम्हारा कुछ नहीं, ये इसमें आप मिसगाइड कर रहे हैं ना। देखें आप खुद, आप ये चीज तो एक सफेद आईने में चीज नजर आने वाली है कि गांधी जी को कत्ल करने वाली आरएसएस की आइडियोलॉजी ने गांधी को कत्ल किया, क्योंकि वो सेकुलर हिंदुस्तान के हामी नहीं थे भाई। आरएसएस जब मैं कह रहा हूँ थी ही नहीं उस टाइम, एग्जिस्ट ही नहीं होती था। तो हिंदू महासभा जो थी, हिंदू महासभा जो थी ये आरएसएस की ही तो फोटोकॉपी थी, और क्या था। बेवकूफ आदमी कैसा है, पहले पेरेंट ऑडी ये ऑर्गेनाइजेशन बनती है उसका ये बनता है, बेवकूफ आदमी है यार, क्या बात है। ये चीज देखे ना, इसमें आप मिसगाइड कर रहे हैं। आप ये या तो ये कहे ना जी कि आरएसएस का या जो आरएसएस की बेसिकली आइडियोलॉजी थी, प्रो हिंदू आइडियोलॉजी या ग्रेटर हिंदुस्तान की जो आइडियोलॉजी थी, उससे जो है वो उसका ताल्लुक कोई नहीं था, फिर तो चीजें समझ आने वाली है। इससे तो आप मिसगाइड करके दूसरी साइड पे लेके जा रहे हैं। आरएसएस वाला हम फिर किसी दिन और डिबेट कर लेंगे, कहां की बात कहां चली गई। आरएसएस पे एक नया एपिसोड रखेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि आखिर आरएसएस है क्या और पाकिस्तान में से क्या समझा जाता है। जी साजिद साहब कुछ कह रहे हैं आप। इन्होंने जो कहा ना आरएसएस, मैं आपको लास्ट एक सेकंड में आपको इसका आंसर देता हूं, फिर कंक्लूड कर लेता हूं। ये जो चीज बता रही है, जो लॉजिक बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि एक चीज है बाप से पहले बच्चा पैदा हुआ, जो ये चीज बता रहे हैं, इतनी बात है, ठीक हो गया, खत्म हो गया। अभी रिबा भी तंग आ गई है, चले इस पे इंशाल्लाह आरएसएस की जो आपकी, लेकिन आरएसएस पे डेट रखेंगे और आप दोनों को दोबारा ऐड करूंगी जिसपे हम आरएसएस पे डिस्कस करेंगे कि आखिर ये आइडियोलॉजी क्या समझी जाती है और अब क्या है, ठीक है। तो उमर साहब, साजिद साहब, आपका वक्त का बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ऑन करना मत भूलिएगा। अगर चाहते हैं कि हम डिजिटली प्रमोट हो सके तो हमें ज्यादा से ज्यादा सुपर चैट करें। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें दी इजाजत, थैंक यू सो मच।